क्रिएटिव चैनल ईशा एंड दिशा सिस्टर्स। सो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का व्लॉग तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को मेरी हैप्पीनेस से पता होगा। तो अभी हम बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को बताया था जैसे कि, और जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी है ना, कौन सी है वो, माय यंगर सिस्टर मेकअप बॉक्स ऑर्गेनाइज ऐसी करके कुछ है, तो वो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, तो वो मैंने सोचा अपलोड कर देती हूँ, तो इसीलिए अपलोड करी। बाकी ये बता रही थी कि वो वीडियो पुरानी है, ठीक है। और उसके बाद देखो, आज मैंने मल्टी कलर की स्क्रंची पहनी है और मैं अभी शाल लेके आ चुकी हूँ, तो एक मल्टी कलर की स्क्रंची डाली जो कि व्हाट्स इन माई बैग वीडियो में है, तो चैनल पे अवेलेबल है, जल्दी से जाकर देख लो इस वीडियो के बाद। और हेयर भी अच्छे से वॉश करवा दिए मम्मा ने, उसके बाद अच्छे से मैंने टॉवल लपेट लिया है, उसके बाद अभी स्किन केयर रह गया है। आज का आउटफिट मेरा कुछ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, पता नहीं आप लोगों को लगाओ ना लगाओ, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, दैट्स वाई। तो ऊपर से मैंने डाली है ये एक सिंपल सी एंड सुंदर सी रेड कलर की और पर्पल ब्लैक एंड वाइट कलर की टी शर्ट जो कि कॉलर वाली है और इस पर 2 बटन्स है, तो वो थोड़ा एक अच्छा सा एक अलग सा लुक दे रही है। देन और नीचे देखो, मैं ये एक सुंदर सा प्लाजो पहना है मैंने, बहुत ही प्रिटी है, मल्टी कलर का है एक तरीके से, तो मैंने सोचा है स्क्रंची भी थोड़ी मैचिंग पहन लेती हूँ, तो आज मैंने मल्टी कलर वाली स्क्रंची पहनी है। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ टेरेस पर क्योंकि तेजस्वी के कुछ कपड़े हैं, उन्हें मेरे को सुखाना है, मतलब जो नीचे की बॉटम्स होती हैं वो सारी मम्मा ने वॉश कर दी हैं, तो पूरी बकेट ही उठा लेते हैं ना, तो इस बकेट को लेके जाना है। उसके बाद मैं ये टॉवल को भी अच्छे से झाड़ के बाल को खोल के तब आप लोगों से मिलती हूँ। चलो बूम। सो गाइस, फाइनली बड़ी शिद्दतों के बाद मैं ऊपर तेजू के कपड़े डाल के आ गई हूँ और मैंने अच्छे से अपने बालों को ड्राई भी कर लिया था, बट हल्के हल्के से वेट तो वो है, बट कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा धूप थी तो मेरे से बिल्कुल रुका नहीं गया, मैंने अच्छे से झाड़े और मैं आ गई। उसके बाद मैंने ना ऐसी बेवकूफ़ी करी, मैं अपना टॉवल भी नीचे ले आई हूँ, मैंने टेरेस पर नहीं सुखाया, तभी मम्मा बाहर सुखा के आई होगी या फिर टेरेस पे। तो फिर अभी देखते हैं आगे व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ, कितना सारा मज़ा करने वाली हूँ। तो अभी तो बस 2 मिनट का व्लॉग हुआ है, तो चलते हैं और दिखाते हैं आगे कि क्या हो रहा है। बाकी मम्मा अभी शाल लेने जा रही है और तेजस्वी को ईशा सुला रही है ताकि मम्मा अच्छे से शाल लेने पाए टेंशन फ्री होके, क्योंकि फिर तेजस्वी रोती है ना तो मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ भी काम करना कुछ भी। और ना आप लोगों को एक और बात बतानी थी, कल हमारे पूरे एरिया में, हमारी पूरी सोसाइटी में किसी के भी घर में पानी नहीं आया था, कल पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो रखी थी ना, और इसीलिए कल कोई भी शाल नहीं ले पाया, और कल बिना शाल लिए इतना अजीब सा लगा ना, बहुत ज़्यादा अजीब लगा, और मम्मा को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम हॉस्पिटल में भी थे तो वहाँ पर भी हम शाल नहीं ले पाए, तो दैट्स वाई कल बिल्कुल भी पानी नहीं आता कहीं पर भी। तो जिस दिन पानी नहीं आता है ना, उस दिन क्या होता है, पानी की वैल्यू थोड़ी समझ में आ जाती है कि वाटर कितना ज़्यादा मायने करता है लाइफ में। तो गाइस, सेव वाटर एंड सेव अर्थ, ठीक है, तो बस ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल जो भी हमने झेला ना गाइस, इतना सा भी एक बूंद पानी नहीं था घर पे, और कैसे कैसे क्या हुआ वो हमें ही पता है, कैसे कैसे किया हमने सब कुछ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ बाहर वाले रूम में ही ले लेती हूँ नैप, उसके बाद देखते हैं फिर मैं क्या करूँगी, उठ के व्लॉग करूँगी जो करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। सो तेजस्वी ना रोने लग गई है, सुबह मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, बट ईशा जो है स्टडी करी थी इस फ़ोन से, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अभी फिर शाल लेने के बाद ही करूँगी, क्योंकि जब ये स्टडी कर रही है ऊपर से बैटरी भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब, बैटरी अभी बताती हूँ, अभी जो है 30% तो इतने में तो व्लॉग हो ही जाएगा, तो फिर मैंने सोचा शाल लेने के बाद ही करूँगी, तो दैट मैंने शाल लिया, उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो बाकी अभी टाइम है, हो रहा है 11:52, एज यू कैन सी, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा होगा, हो 11:52 हो चुके हैं, मैंने आपको ईशा के मोबाइल फ़ोन से दिखाया। तो मम्मा चली गई है शाल लेने और अभी ईशा को हैंडल, तेजस्वी को हैंडल करेगी ईशा, तो देखते हैं फिर अभी क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और हाँ,
मैंने इतनी बकबक कर ली तो यार एक लास्ट बात और बोल देती हूँ कि आप लोग ना मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना, ये देखो तेजस्वी के कपड़े तो मैंने आपको बताया था, भारी व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों को देखने को। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि आप लोगों को थोड़े बड़े व्लॉग चाहिए या छोटे व्लॉग चाहिए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हूँ, एडिटिंग करते समय मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, छोटा रखूँ बड़ा रखूँ, क्या थंबनेल क्या रखूँ, क्या कुछ भी फ़नी थंबनेल रखूँ, क्या कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आप लोग मुझे ये बता दो बस कि आपको छोटे व्लॉग ज़्यादा प्रेफर करते हो आप लोग या फिर बड़े व्लॉग ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप लोगों को क्या पसंद है आप मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से व्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि कभी अगर मैं ज़्यादा बड़े व्लॉग बना देती हूँ तो फिर आप लोग कहते हो कि क्या बोलते हैं, इतना बड़ा व्लॉग टाइम वेस्ट हो गया, और जब छोटा व्लॉग बनाती हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं मज़ा नहीं आया, छोटा व्लॉग है ऐसा कुछ करके। तो दैट आप लोग मुझे बता देना कि आप लोग किस टाइप के व्लॉग चाहिए। अंदर चलते हैं देखते हैं ईशा और तेजस्वी क्या कर रहे हैं। दैट यहाँ पे टीवी चल रहा है, देखो भाभी जी घर पर है, ध्यान से देखो, और यहाँ पर बिल्कुल लो वॉल्यूम करके देखा जा रहा है क्योंकि बेबी है हाथ पर, सुलाया जा रहा है। कैसे हो आप सब बता दो। तो मैं तो शाल लेके आई हूँ, तो अभी छोटी सिस्टर को नहीं ले सकती हूँ ना, तो अभी इसीलिए बाकी थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। चलो अभी थोड़ा किचन में चल लेते हैं। देखो एजस फैन चलाया रहता है ना वो, मैंने बहुत गुस्सा आता है मुझे उसके बारे में। कल हम गए थे सुपरमार्केट, तो देखो हमने कितना सारा सामान ले लिया, ये पूरा बैग भरा है, ये भी पूरा बैग भरा है। तो टोस्ट वगैरह एक एक छांच ली थी पांच, हमने जूस लिए थे। चलो गाइस पान वाली टॉफी खाते हैं, मेरे को बड़ा ही नफरत हमारे ना बहुत सही होती है पान वाली टॉफ़ी, ये ना हार्ट शेप की होती है और हमारी फेवरेट है बचपन से ही, मम्मा को तो इतनी पसंद है ना क्या बताऊँ। सोईशा को देते हैं एक, हम खाते हैं। चलो देखो ये हार्ट शेप की होती है, आई पर्पल यू। सोईशा को खिला दी है वन रैपर, आउच। सेकंड में अपनी वीडियो निकालती हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ऐसे मत देखो। बाकी ये बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल माउथ फ्रेशनर टाइप है। देखो इसमें सौंफ भी लगी हुई है यहाँ पर, आप लोग देखो ये जो है ना ये सौंफ है। इतनी टेस्टी होती है, रैपर थ्रो करने चलते चलो। अच्छा है भी तो। बाकी जो मैंने आप लोगों से पूछा था आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, उस हिसाब के मैं व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। बाकी दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, विदाउट एनी इश्यूज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आई कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। आप भी ट्राई करना मेरी टॉफी बहुत मस्त है। ईशा बाय बाय, उठ गई है वो फिर से, बाय। देखो बाय कर रही है, बहुत सारे भी ईशा को और देंगे हम, बाय।